हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। महान व्यक्ति की जीवनी सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे तात्या टोपे की जीवनी के बारे में, जो भी जानकारी है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है और हमारे एग्जाम में आ सकती है तथा हमारे डे टू डे लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए नॉलेज में एक बूस्टअप दे सकती है। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क कर रही है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हम लोगों को मोटिवेट करती है आपके लिए रोज कुछ नया करते रहने के लिए। देखते हैं तात्या टोपे जी की जीवनी को। भारत के महान वीर सपूत तात्या टोपे का जो जन्म था वो 1814 ईस्वी में महाराष्ट्र के पटौदा जिले के एक छोटे से गांव यवला में रामचंद्र पाडू रंग राय के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन प्यार से उन्हें तात्या कहकर पुकारा जाता था। तात्या टोपे की माँ का नाम रुक्मणी बाई था, जो कि एक धार्मिक और घरेलू महिला थी। इनके पिता पाडू रंग त्र्यंबक भट्ट महान राजा पेशवा बाजीराव द्वितीय के खास लोगों में से एक थे, जो पेशवा के राज के सभी कामों को बड़ी जिम्मेदारी से पूरा करते थे। जब तात्या 2 से 3 साल के हुए तब पेशवा बाजीराव को अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ा और अपना राज्य छोड़कर उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास बेठूर में जाकर रहना पड़ा। अभी से तात्या टोपे के जो पिता थे उन्होंने अपने पूरे परिवार को बेठूर में जाकर के बसा दिया। देखते हैं इसके बाद, शुरू से ही युद्ध और सैन्य अभियानों में रुचि रखने की वजह से बिछुड़ में ही तात्या टोपे ने सैन्य और युद्ध अभ्यास किए। इसके साथ ही बिछुड़ में ही तात्या टोपे बाजीराव पेशवा के गोद लिए पुत्र नाना साहब के संपर्क में आए और एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। मतलब नाना साहब किसके गोद लिए हुए पुत्र थे, तो पेशवा बाजीराव के जो है वो गोद लिए हुए पुत्र थे और एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। कौन? नाना साहब और हमारे तात्या टोपे जी। इसके बाद दोनों ने साथ में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण की और आगे चलकर तात्या टोपे का नाम को नाना साहब के दाएं हाथ के रूप में जाना जाने लगा। भारत की इस महान वीर सपूत टोपे ने देश की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई और बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब के साथ शिक्षा ग्रहण की। नहीं, तात्या टोपे शुरू से ही बेहद साहसी और पराक्रमी थे, जो युद्ध और सैन्य से जुड़े कामों में बेहद रुचि रखते थे। पेशवा बाजीराव उनकी प्रतिभा और कर्तव्य परायणता के से प्रभावित होकर के उन्हें राज्यसभा में कीमती नवरत्नों से जड़ी टोपी पहनाकर उनका सम्मान किया था। नहीं, ऐसा माना जाता है कि तभी से उनका नाम टोपे गया हुआ था और सब उन्हें टोपे के नाम से जानते थे। भारत की आजादी से पहले पहली लड़ाई जो थी, भारत की आजादी की 1857 में जो क्रांति हुई थी, उसमें टोपे की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट थी। टोपे ने शुरू से ही नाना साहब के पिता बाजीराव पेशवा और उनके साथ अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे बर्ताव को देखा था कि किस तरह से अंग्रेज उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं। अपने प्रिय दोस्त नाना साहब को अपना अधिकार छीनने का दर्द भी उन्हें महसूस था, इसको लेकर के उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ बेहद गुस्सा था। 1851 में जब अंग्रेज के जनरल डायर डलहौजी ने अपनी क्रूर नीति लागू करते हुए देश के अलग अलग प्रांतों में कब्जा करना शुरू किया हड़प नीति के थ्रू, इस नीति के मुताबिक भारतीय राजाओं के गोद लिए पुत्रों को उत्तराधिकार मानने से इनकार कर दिया गया, ठीक है, और राज्यों में अंग्रेजों के शासन के अधिकार दे दिए गए थे। इस दौरान अंग्रेजों ने बाजीराव पेशवा के ऊपर भी यही नियम लागू किया था और बाजीराव पेशवा की जब मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों द्वारा हर साल पेंशन के रूप में दिए जाने वाले 8 लाख रुपया भी बंद कर दिए और बाजीराव के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, जो कि टोपे के अच्छे दोस्त थे, उनको उत्तराधिकारी बनाने से भी मना कर दिया। अब 1857 में अंग्रेजों की क्रूर नीति के खिलाफ सैन्य विद्रोह भी छिड़ा हुआ था, जिसका तात्या टोपे और नाना साहब ने फायदा उठाया और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी एक सेना तैयार कर दी। इनकी सेना ने विद्रोही सेना भी शामिल थी, जिसका नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था और इस युद्ध में अंग्रेजों को खदेड़ कर कानपुर पर कब्जा कर लिया और फिर नाना साहब को कानपुर का पेशवा और तात्या टोपे को सेनापति के रूप में नियुक्त कर दिया गया। 1857 के रिवॉल्यूशन में टोपे की भूमिका थी। इसके बाद भी अंग्रेजों ने एक बार फिर से कानपुर पर अपना शासन करने के लिए हमला कर दिया, जिसमें नाना साहब को परास्त होना पड़ा और फिर वो कानपुर छोड़कर के अपने परिवार के साथ नेपाल में जाकर बस गए। हालांकि टोपे अपने राष्ट्र के प्रति अडिग रहे थे, क्योंकि उनको अंग्रेजों को बिल्कुल पछाड़ना था। शासित तात्या टोपे को पता चल गया था कि जिस तरह बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब को अंग्रेजों ने अपने कूटनीति के तहत अपने उत्तराधिकारी बनने का अधिकार छीन लिया था, उसी तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उनके पति जो थे महाराज गंगाधर राव ने उल्लेखर की भी मौत हो गई थी और रानी लक्ष्मीबाई भी अपने पुत्र जो था उसको गोद लिया था दामोदर को, तो दामोदर राव उर्फ आनंद राव को अंग्रेज उत्तराधिकारी बनाने से रोक देगा। झांसी की एक महिला अंग्रेज क्या किए कि झांसी की एक महिला को अंग्रेजों ने झांसी पर उनको अधिपत्य करने का अधिकार दे रहा था, तब तो टोपे का अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिशोध और बढ़ गया, क्योंकि नियम के हिसाब से जो है वो झांसी की रानी के बेटे का अधिकार उस पर होना चाहिए था। तब तात्या टोपे का अंग्रेजों के खिलाफ और प्रतिशोध बढ़ा और अधिक बढ़ गया। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में पूरा समर्थन करने का फैसला किया। उनके राजा जो थे झांसी को बचाने में उनकी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। ताकि तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। 1857 में जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया, तब तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दोनों ने मिलकर बड़ी बहादुरी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। इसके बाद टोपे ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के चंगुल से बचाने के लिए
अपने साथ तलापी में ले गए, जहां तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाई, जिसके तहत तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई को अपने इरादे में सफल होने के लिए ग्वालियर के किले पर अपना अधिकार जमाने के लिए कहा। इसके बाद तात्या टोपे ने पहले ही ग्वालियर के सेना को अपनी तरफ कर लिया और ग्वालियर के महाराज जयाजी राव सिंधिया ने हाथ मिला करके अपनी मजबूत सेना के साथ एक बार फिर से अंग्रेजों पर हमला कर दिया और ग्वालियर के किले पर अपना जो है वो कब्जा जमा लिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने ग्वालियर का राजा जो था पेशवा को सौंप दिया ग्वालियर। वही तात्या टोपे के इस साहसी कदम के बाद क्रूर अंग्रेज शासक ने अपनी अपने आप को अपमानित समझ करके उन्हें पकड़ने के लिए अपना विद्रोह और अधिक तेज कर दिया था। थोड़े दिन बाद अंग्रेजों ने अपने नापाक इरादे के साथ जून 1858 में ग्वालियर पर एक बार फिर से हमला कर दिया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई पूरी तरह घायल हो गई, वीर गति को प्राप्त हुई थी। हालांकि अभी भी अंग्रेज तात्या टोपे को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए थे। तात्या टोपे जी की मृत्यु को लेकर के इतिहासकारों के अलग अलग मत है। किसी का मानना है कि तात्या टोपे को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी दे दी थी, जबकि कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उन्हें फांसी नहीं दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार जब तात्या टोपे अरवान के जंगलों में आराम कर रहे थे, तब नरवर के शासक मानसिंह ने उनके साथ धोखेबाजी की और अंग्रेजों के साथ अपने हाथ मिला लिया और तात्या टोपे के साथ धोखेबाजी कर अंग्रेजों ने उन्हें पकड़वा दिया। इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने तात्या टोपे के खिलाफ मुकदमा चलाया और 18 अप्रैल मतलब आज ही के दिन 1859 में उनको फांसी दे दी गई थी। अंग्रेजों के नापाक जो है इरादे थे तात्या टोपे के प्रति, लेकिन अंग्रेजों के नाक में दम करने वाले तात्या टोपे की मृत्यु को लेकर के कई इतिहासकारों का यह भी मानना था कि टोपे जो थे वो जीवन के अंत तक कभी भी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए थे और उन्होंने अपनी आखिरी सांस 1909 में गुजरात में ली थी। तो एक कंफ्लिक्टेड चीज है, बट ऐसा माना जाता है कि 18 अप्रैल 1859 को उनको फांसी दी गई हुई थी। तात्या टोपे के सम्मान में भारत सरकार द्वारा उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। इसके साथ ही कानपुर और शिवपुर में तात्या टोपे का स्मारक भी बना हुआ है। इसके अलावा टोपे जी के द्वारा भारत की आजादी की पहली लड़ाई में उनके त्याग बलिदान और कुर्बानी को याद रखने के लिए मध्य प्रदेश में तात्या टोपे मेमोरियल पार्क बनाया गया है, जहां पर तात्या टोपे जी की मूर्ति लगाई गई है। तो ये एक जो है बायोग्राफी था तात्या टोपे जी की, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट थी। अगर आपको ऐसा लगा कि चैनल डेडिकेटली वर्क कर रही है आपके लिए, तो एक बार सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा चैनल को, हम लोगों को मोटिवेट करेगा रोज आपके लिए कुछ नया करते रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी नए व्यक्ति के बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।